हाय गाइस, हम पढ़ रहे हैं लीनियर बेसिस और लीनियर बेसिस में पर्टिकुलरली मीटिंग्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम इस वीडियो में। स्टेटमेंट सेम है, मैं पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि देर आर टू प्लेसेस एक्स एंड वाई 200 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनिशियली टू पर्सन्स पी एंड क्यू बोथ आर एट एक्स। द स्पीड ऑफ पी इज 20 वेयर एज द स्पीड ऑफ क्यू इज 30। लेटर दे मूव टू एंड फ्रो बिटवीन एक्स एंड वाई। If they meet fourth time each other at a point D somewhere between x and y, then what is the distance between D and x? तो मैं एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट याद दिला दूं कि अगर दो लोग एक ही पॉइंट से चलते हैं तो उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो आफ्टर 2D डिस्टेंस बाद होती है। दोनों मिलके 2D डिस्टेंस चलेंगे। फर्स्ट मीटिंग तक दोनों मिलके 2D डिस्टेंस चलेंगे, सेकेंड मीटिंग तक 4D, थर्ड मीटिंग तक 60, फोर्थ मीटिंग तक 80, फिफ्थ मीटिंग तक 10D एंड सोन, ये चलता रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे फोर्थ मीटिंग है, तो फोर्थ मीटिंग तक दोनों मिलके 8D डिस्टेंस चल चुके होंगे दोनों मिलके। अब पी और क्यू दो लोग हैं, पी और क्यू दोनों के स्पीड्स का रेशो अपने को गिवन है, स्पीड्स गिवन है बेसिकली। इसकी 20 की स्पीड है, इसकी 30 की, तो दोनों के स्पीड्स का रेशो निकाला जा सकता है 2:3। अगर एक की स्पीड 20 की है, दूसरे की 30 है, तो वी कैन सिंपली से दैट देयर स्पीड्स रेशो इज 2:3। और स्पीड्स का रेशो अगर 2:3 है तो दोनों के डिस्टेंसेस का भी रेशो सेम होगा, बिकॉज टाइम इज कॉन्स्टेंट। जितने टाइम पी चला सेम टाइम क्यू चला फोर्थ मीटिंग तक, तो दोनों के डिस्टेंसेस का भी रेशो सेम होगा, बिकॉज जब स्पीड कॉन्स्टेंट होता, जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो वही होता है जो डिस्टेंस का रेशो है। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ दे मीट फोर्थ टाइम ईच अदर एट ए पॉइंट डी समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एक्स। तो हम बता देंगे, सबसे पहले आप किसी एक का डिस्टेंस निकाल लो, तब तक का मैं पी का निकाल लेता हूँ। तो पी तब तक कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप कहेंगे 2/5, 2/टोटल, 2/5, 2/5 किसका, फोर्थ मीटिंग तक का टोटल। फोर्थ मीटिंग तक का दोनों ने मिलकर कितना चला था 8D, तो उसमें से पी कितना चलेगा 2/5 ऑफ 8D। तो दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2/5 ऑफ 8 इंटू डी। डी कितना है हमारा, डी 200 है, तो ये 40 आ जाएगा। एंड दिस कम्स आउट टू बी 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 64, तो 640 किलोमीटर्स। तो पी जो चलेगा वो 640 किलोमीटर्स चलेगा। तो ये कैसे चलेगा वो देख लेते हैं फोर्थ मीटिंग तक। तो अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 200 है तो मुझे बताइए, और पी यहाँ से चलता है, क्यू भी यहाँ से चलता है, तो पी ये कैसे चलेगा 640 किलोमीटर। तो पहले 200 ऐसे चलेगा, फिर 200 वो वापस मुड़ेगा, फिर 200 वापस चलेगा, और फिर बच गया 40, तो 40 वो कुछ इस तरह से चलेगा, ये 40 रहेगा, है ना। बाकी ये सब 200 200 200 है, तो ऐसे करके उसने चला होगा 640, तो यहाँ कहीं पहुँचा होगा, और जिस पॉइंट पे पहुँचा है उस पॉइंट को उसने नाम दे दिया है बेसिकली। ये एक्स पॉइंट था, ये वाई था, और इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया डी। तो हमें बताना है इसमें dx डिस्टेंस। तो हमें पता है कि इस केस में dy डिस्टेंस जो है वो 40 है, टोटल 200 है, टोटल डिस्टेंस इज 200, तो dx बताना है। तो dx कितना डिस्टेंस हो जाएगा, dx हो जाएगा 200 में से अगर ये 40 माइनस कर दें जो उसने मुड़ के चला, तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगा वो dx बचेगा। 160 किलोमीटर आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, यही सवाल का सही उत्तर है। आंसर ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।